हेलो स्टूडेंट्स, सो फार वी डिस्कस अबाउट व्हाट वाज द भक्ति मूवमेंट, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, व्हाट वर द सगुणा भक्ताज, व्हाट वर द निगुणा भक्ताज एंड व्हाट काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन द न्यू फॉर्म ऑफ भक्तिज एंड द ओल्डर फॉर्म. वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द अलवर्स नयनार्स ऑफ साउथ इंडिया. वी डिस्कस्ड अबाउट द वीर शिवा ट्रेडिशन व्हिच टुक प्लेस इन कर्नाटका. तो इस प्रकार से हमने पूरे साउथ इंडिया में क्या क्या भक्ति और भक्ति मूवमेंट चल रही थी, हमने उसके बारे में डिस्कस किया. तो साउथ इंडिया में मेनली तीन भक्ति मूवमेंट थी. दैट वाज अलवर्स व्हिच वाज रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णु. सेकंड वाज नयनार रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा. एंड द थर्ड वाज वीर शिवा ट्रेडिशन व्हिच वाज स्पेशली इन कर्नाटका एंड इट वाज अगेन रिलेटेड टू द लॉर्ड शिवा. सो these were the three movements which took place in South India. Now we have discussed all about South Indian bhakti tradition. Now we are moving to the North India. अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? उत्तर भारत की. क्या क्या गतिविधियाँ उस टाइम उत्तर भारत में चल रही थी? What religious ferment, क्या क्या धार्मिक गतिविधियाँ was going on in the North India? And what was the religious condition of North India at that time? The time which we were talking about in the South India, the same time what was happening in North India, क्या क्या धार्मिक गतिविधियों में परिवर्तन आया, हम उसकी बात आज यहाँ पर करने जा रहे हैं. तो according to the history in North India, there was a period when several Rajput states emerged. हमने पढ़ा है कि राजपूताना में बहुत सारे राजपूत states होते थे. Even राजस्थान का नाम ही राजपूतों के पीछे रखा गया है. तो उस time North India में राजपूत state होते थे, बहुत सारे राजपूत state होते थे और वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते थे ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी पे. ऐसा माना जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों के माध्यम से की गई थी माउंट आबू के ऊपर, और वहाँ पे एक यज्ञ परफॉर्म किया गया था, उससे जो है राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है, और यज्ञ ब्राह्मणों ने परफॉर्म किया था. सो राजपूत एंड ब्राह्मण्स वर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड एज ए रिजल्ट द ब्राह्मणा हु लॉस्ट इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धिज्म दे अगेन गेन द इम्पोर्टेंस अगेन अंडर द राजपूत रूलर्स. सो दे गॉट पेट्रोनेज अंडर द राजपूत रूलर्स. तो ब्राह्मण जो थे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. देर वॉज नो अटैम्प्ट टू क्वेश्चन देयर पोजिशन डायरेक्टली बिकॉज ब्राह्मणाज यूज टू बी वेरी वेरी पावरफुल. वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे. सो नो बडी कैन क्वेश्चन देम अगेंस्ट देयर अथॉरिटी. तो जैसा ब्राह्मणों ने चाहा उन्होंने वैसे ही नियम वहाँ पर लागू किए थे. एट द सेम टाइम देर वर अदर रिलीजियस लीडर हु वर आउट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सिस्टम एंड वर गेनिंग ग्राउंड. तो ब्राह्मणों का जो सिस्टम था वो काफ़ी कट्टर होता था, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स होता था. सो उसी टाइम पर कुछ एक भक्ति संत यहाँ पर पैदा हुए नॉर्थ इंडिया के अंदर, जिन्होंने ब्राह्मणिकल पोजिशन को चैलेंज करने का काम किया. दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द ब्राह्मणिकल पोजिशन दैट ब्राह्मणाज आर नॉट ऑल टुगेदर राइट अकॉर्डिंग टू द न्यू भक्ति सेंट्स हु एमर्ज्ड इन द नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम. दीज इंक्लूड, तो देर वर सम कैटेगरीज ऑफ दीज भक्ति सेंट्स एंड दीज इंक्लूड नाथ्स, जोगीज एंड दी सिद्धाज. तो ये सारे के सारे संत थे जो उस टाइम पे एमर्ज हुए थे जब ब्राह्मणिकल सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था अंडर द राजपूत रूलर इन दी नॉर्थ इंडिया. मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम दी आर्टिजनल ग्रुप्स. सो ये जो नाथ, जोगी और सिद्ध थे, ये आर्टिजनल ग्रुप से भी बहुत सारे इनमें बिलोंग करते थे, जिसको कि लोअर कास्ट माना जाता था और जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ब्राह्मणिकल ऑर्डर में नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो था जैसा कि हम जानते हैं वर्णा सिस्टम पे डिपेंडेंट था और लोअर वर्ण के लोगों को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे. लेकिन जो नाथ, जोगी और सिद्ध जो संत बने थे उस टाइम, दे मैनी ऑफ देम बिलोंग टू द लोअर ऑर्डर्स. जैसे कि वीवर कम्युनिटी से हम बात करते हैं कबीर की, तो कबीर एक वीवर था, एक जुलाहा था. रविदास हु आल्सो यूज टू बी द भक्ति सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम, he was also from a cobbler caste. वो एक चमार जाति से belong करते थे. तो इस प्रकार से काफ़ी lower caste, lower वर्णा के लोग भी जो थे भक्ति और इस भक्ति movement में आ गए थे उस time North India के अंदर, जो कि ब्राह्मणिकल system के लिए एक challenge की तरह होता था. Now again we are discussing here about the North India. Several Rajput states emerged. In most of these states Brahmanas occupied position of importance performing range of secular and ritual functions. So बहुत सारे ritual और secular functions जो थे यहाँ पर ब्राह्मण organize करते थे. लेकिन कुछ लोग जो थे वो कौन थे, नाथ, जोगी और सिद्ध, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, उन्होंने इनको challenge करना शुरू कर दिया
उनमें से बहुत सारे कहाँ से आए थे, आर्टिनल ग्रुप से आए थे, और उन्होंने वेदों की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। दैट वट एवर इज रिटन बाय ब्राह्मणास इन धर्मशास्त्र वेदास मनुस्मृति दैट वर दीज वर क्वेश्चनड बाय द न्यू रिलीजियस लीडर्स एंड दे वर दी नाथ जोगीज एंड दी सिद्धाज। उन्होंने इनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों के लिए एक चैलेंज क्रिएट किया गया नाथ जोगी और सिद्ध के द्वारा, क्योंकि वो एक आम लोगों से बिलोंग करते थे तो आम लोग भी उनकी सपोर्ट में खड़े हो गए थे। ए न्यू एलिमेंट इन सिचुएशन वॉज कमिंग ऑफ द तुर्क्स। जब ये कन्फ्लिक्ट ब्राह्मणों और नाथ जोगी और सिद्ध में चल रहा था तो उसी टाइम कौन आए, तुर्क लोग आए। और तुर्क लोग कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। दे केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड दे एस्टेब्लिश्ड ए सल्तनत इन दिल्ली। लाइक वी डिस्कस दैट देर यूज टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैनी अटैक्स इन इंडिया। लाइक फर्स्ट अटैक वॉज इन्वेडेड बाई मोहम्मद बिन कासिम इन 1712। उन्होंने अटैक किया। उसके बाद में महमूद गजनवी ही अटैक 17 टाइम्स इंडिया। तो हम देखते हैं कि इस्लामिक लोगों ने भारतीय महाद्वीप पे उपमहाद्वीप पे आक्रमण करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे, और उसके साथ में बहुत सारे जो है रिलीजियस लीडर भी उनको फॉलो करके इंडिया में आ गए। तो एक नए धर्म का जो है आगमन भारत में उस टाइम पे हो रहा था। तो दैट वॉज द सिनेरियो, दैट वॉज द बैकग्राउंड इन विच दिस भक्ति एंड सूफी मूवमेंट स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन नॉर्थ इंडिया। हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ जब ये भारत में आए, लाइक मैंने बताया कि 711-12 के अंदर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया एंड ही डिफीटेड द इंडियन रूलर दाहिर हु यूज़ टू बी द रूलर ऑफ सिंध। उसके बाद में महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 17 बार। उन्होंने काफ़ी भारतीय जो है मंदिरों को तोड़ा था, हिंदू धार्मिक स्थलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उसका मेन रीज़न था इस्लाम का विस्तार भारत में करना और यहां से लूटपाट करना। उसके बाद में जो फाइनल जो अटैक जो किया जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ गई थी, दैट वाज मोहम्मद गोरी। सो मोहम्मद गोरी अटैक्ड इन इंडिया 2 times। फर्स्ट इन 1191 एंड ही फॉट विद द राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली, दैट वॉज पृथ्वीराज चौहान। बट इन दैट बैटल ही गॉट अ डिफीट एट द हैंड ऑफ पृथ्वीराज चौहान। अगेन द नेक्स्ट ईयर ही इन्वेडेड अगेन इन इंडिया एंड दैट इज़ द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। इट टुक प्लेस इन 1192 और इस बैटल के अंदर पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। इस प्रकार से इस्लाम के पांव जो है यहाँ पे पड़ गए थे। और मोहम्मद गोरी के साथ एक उस टाइम प्रमुख जो है सूफी सेंट आए थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो उसके साथ ही भारत में किसकी आगमन होता है, सूफीजम का आगमन भारत के अंदर हो जाता है और ब्राह्मणिकल पोजीशन का डेक्लाइन होना शुरू भी हो जाता है। तो उन्होंने फिर एक यहाँ पे एक सल्तनत बनाई एंड दे मेड दिल्ली एज देयर कैपिटल। तो दिल्ली सल्तनत की नींव उन्होंने रखी। मोहम्मद गोरी वेंट बैक टू देयर हिज नेटिव प्लेस बट ही लेफ्ट वन ऑफ हिज स्लेव एंड कमांडर दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को पीछे छोड़ दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है यहाँ पे दिल्ली की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। उसके बाद में फिर जो है अलतुतमिश आए और लगातार जो है सल्तनत पीरियड चला जब तक कि मुगल्स भारत के अंदर नहीं आ गए थे। सो मैंने बताया कि मोहम्मद गोरी के साथ उस टाइम पे इंडिया में कौन आए, एक सूफी सेंट आए थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सो सूफी, जैसा कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि सूफी वर्ड हैज़ कम फ्रॉम द सूफ। सूफ मीन्स सफ़ा, इट मीन्स प्योर। सो दीज पीपल यूज टू बी द फॉलोअर ऑफ इस्लाम एंड दे वर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द इस्लाम बिकॉज दे वर नॉट दैट मच ऑर्थोडॉक्स। और वो पूरी तरह से जो है डिवोशन टू गॉड में बिलीव करते थे। दे वर नॉट द ग्रीडी पीपल, दे यूज टू लिव अवे फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक लाइफ। सो दे यूज टू बी कॉल्ड एज द सूफ एंड सूफ से वर्ड सफ़ा, सफ़ा से सूफ, सूफ से जो है सूफी शब्द आया है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि सूफी वर्ड हैज़ कम फ्रॉम द सूफ। सूफ का मतलब वूल, यानी कि क्योंकि वो ऊनी कपड़े पहनते थे इसलिए भी उनको जो है सूफी कहा जाता है, क्योंकि सूफ का मतलब भी ऊन होता है। सो डिफरेंट इंटरप्रटेशंस आर गिवन बाय डिफरेंट हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द सूफीज। लेकिन एक बात तय है कि सूफी जो थे उस टाइम भारत में आए थे। किसके साथ आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ आया था। जो पहला लीडर जो उनका भारत में आया था, जो सबसे फेमस भी हुआ है बाद में, वो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि भारत में अजमेर में आके सेटअप हो गए थे। सूफीज वर ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल ऑफ इस्लाम। दे यूज टू फॉलो द इस्लाम, दे वर वेरी रिलीजियस माइंडेड।
दे वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशन एंड स्कॉलिस्टिक मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान, यानी कुरान के जो कट्टर नियम जो थे वो उनको फॉलो नहीं करते थे, वो काफ़ी लिबरल जो है नेचर के लोग होते थे, काफ़ी उदार प्रकृति के लोग ये होते थे। दे एम्फेसाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि वो कुरान को अपने पर्सनल अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे इम्पोर्टेंट मानते थे, न कि जो लिखा हुआ था कुरान के अंदर उसको एज इट इज़ वो फॉलो करते थे। सो सूफी जो थे दे वर अ लिटिल बिट लिबरल पीपल हु यूज टू फॉलो द इस्लाम एंड दे केम टू इंडिया एट दैट टाइम। तो इस प्रकार से भारत में सूफीज़म की शुरुआत होती है और वो ग्रो कैसे होता है, हेयर वी विल रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म। बाय द 11th सेंचुरी सूफीज़म इवॉल्व इनटू अ वेल डेवलप्ड मूवमेंट इन द बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑन द कुरानिक स्टडीज एंड सूफी प्रैक्टिसेस। कि 11वीं शताब्दी तक आते आते जो है सूफीज़म एक बहुत बड़ी एक मूवमेंट बन गई थी, खासकर वेस्ट एशिया में, और उस मूवमेंट का असर जो है किस पे होने वाला था, इंडिया में भी होने वाला था। इंडिया में जो है जैसा कि मैंने बताया 12वीं शताब्दी तक आते आते इंडिया के अंदर बहुत सारे सूफी सेंट आ गए थे। दे सेट अप देयर हॉस्पिसेज एंड कनखाज। कनखाज क्या होता है, ये एक सूफी कनखाज वो होता है जिस जगह पे सूफी संत रहता था वहाँ पे उसके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा रहते थे, और जो उनका जो हेड होता था द टीचिंग मास्टर ऑफ द सूफी यूज टू बी नोन एज द शेख। सूफी को क्या कहते थे, शेख भी कह देते थे, उसको पीर भी कहते थे और उसको मुर्शीद भी कह देते थे। तो वो एक सूफी गुरु होता था जो अपने एक आश्रम के अंदर जिसको बोलते थे कनखा और हॉस्पिसेज वहाँ पे अपने फॉलोवर के साथ रहता था। ही एनरोल डिसाइपल्स, और उन एनरोल डिसाइपल्स को क्या कहा जाता था, मुरीद। सो यहाँ पे एक वर्ड आता है मुर्शीद मींस गुरु और मुरीद मींस उसका चेला और उसका शिष्य। एंड अपॉइंटेड एज सक्सेसर खलीफा, और उसके बाद में उसके बाद कौन उसका सक्सेसर बनेगा उसको क्या बोलते थे, खलीफा। तो हमने पढ़ा इस्लाम के बारे में 11th क्लास के अंदर, वहाँ भी हमने पढ़ा कि आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद दे नॉमिनेटेड द खलीफा। द सेम वे सूफी यूज टू नॉमिनेट देयर आफ्टर द नेक्स्ट सक्सेसर एंड दैट वॉज कॉल्ड एज द खलीफा। ही एस्टेब्लिश्ड रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन इनमेट्स एज वेल एज बिटवीन द ले पर्सन एंड द मास्टर। तो क्या रूल वो फॉलो करेंगे, क्या क्या रूल वहाँ पे फॉलो होंगे वो कौन बनाता था, सूफी शेख यूज टू मेक द रूल्स फॉर हिज कनखाज दैट द फॉलोअर ऑफ द दैट पर्टिकुलर शेख हाउ वी दे विल ट्रीट विद द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम दैट कल्ट, जो कि बाहर के लोग हैं उनके साथ वो कैसा बर्ताव करेंगे, अंदर वो किस तरह से रहेंगे, कनखाज में क्या एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरह से उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ये सारे रूल्स जो थे कौन बनाते थे, सूफी शेख बनाते थे, और उसी के कमांड पे पूरा जो है कनखा चलता था। नाउ सूफी सिलसिला में दो तरह के जो है सूफी सेंट होते थे, वन वॉज बीसरिया एंड सेकंड वॉज दी बासरिया सूफी। बीसरिया सूफी कौन थे, दिस वॉज द चिश्ती ऑर्डर। बीसरिया सूफीज वर दोज हु यूज टू बी लिटिल बिट लिबरल, क्या थे वो, लिबरल थे, और जो कि शरीयत के रूल को जो है पूरी तरह से फॉलो नहीं करते थे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से वो रूल को फॉलो करते थे, शरिया में जो लिखा है उसको एज इट इज़ वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे। तो हम कह सकते हैं कि बीसरिया जो थे वो काफ़ी लिबरल होते थे एज कम्पेयर टू द बासरिया। बासरिया जो थे जो रूल था शरीयत का उसको 100% फॉलो वो करने का काम करते थे। सो बासरिया सूफी पीपल यूज टू फॉलो द इस्लामिक रूल विच इज़ रिटन इन द कुरान एज वेल एज इन हादिथ एज इट इज़, एंड दे डिड नॉट बिलीव इन द लिबरलिज्म। बट जो बीसरिया के जो फॉलोअर थे सूफीज़म के वो काफ़ी लिबरल होते थे और कुरान के सारे रूल को नहीं मानते थे। तो यहाँ पे कौन फेमस होगा सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो उस टाइम थी वो नॉन मुस्लिम्स थे, तो यहाँ पे बीसरिया जो सूफी सिलसिला था उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी यहाँ पे बढ़ गई थी। द चिश्ती इन द सब कॉन्टिनेंट, तो चिश्ती एक सिलसिला था जो कि सूफीज़म में बिलीव करता था, उन्होंने इंडिया के अंदर भी जो है अपना एक कनखा बनाया और वो कनखा आज भी काफ़ी फेमस है और उस टाइम भी काफ़ी फेमस हुआ था। एंड उसका जो शेख था दैट वाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, एंड ही इज़ आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ गरीब नवाज एंड दैट इज़ द अपलिफ्टर ऑफ द पुअर पीपल, जो कि अजमेर में सिचुएटेड है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इज़ आल्सो कॉल्ड एज द अजमेर शरीफ। उसका जो एक फेमस डिसाइपल हुआ था जिसका नाम था बख्तियार काकी, एंड ही सेटअप हिमसेल्फ एट डेली, और उसके और भी कुछ एक फॉलोअर थे
जो उसके बाद में उसके डिसाइपल थे वो भी बाद में शेख बन गए थे, और उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने हॉस्पिसिस सेटअप कर लिए थे, जैसे कि निजामुद्दीन ओलिया, आपने सुना होगा नाम निजामुद्दीन ओलिया का, ही बिलोंग्स टू दिल्ली, दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह है, वहाँ पर उसका कनखा है। उसके बाद में नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये भी एक फेमस सूफी सेंट हैं जो कि दिल्ली में सिचुएटेड हैं, चिराग दिल्ली के अंदर इनकी जो है कनखा होता था। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट सूफी सेंट्स जो है चार पांच हुए थे जिनका नाम मैंने आपको बताया। उसके बाद में जो दूसरा ऑर्डर था वो था सुरावर्दी ऑर्डर, ये भी काफ़ी फेमस हुआ था इंडिया में, लेकिन प्रेजेंटली जिस एरिया में ज़्यादा फेमस था दैट हैज़ गॉन टू पाकिस्तान, और उसका जो फेमस लीडर हुआ था शेख सिहाबुद्दीन सुरावर्दी, ये उसका सबसे फेमस सूफी सेंट था जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम काफ़ी फेमस हुआ था। अब लाइफ कैसी होती थी चिश्ती कनखाज के अंदर, अब हम क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, चिश्ती कनखा की कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे जो फेमस लीडर हुआ है चिश्ती सिलसिला का दैट इज़ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो हम उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे जो बात हो रही है वो निजामुद्दीन ओलिया की हो रही है, और वो किसके फॉलोअर थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, और चिश्ती सिलसिला ही भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिलसिला उस टाइम बन गया था। लेट मी टेल यू द नेम मीनिंग ऑफ द सिलसिला, सिलसिला का मतलब होता है चेन, यानी कि उनका मानना था कि एक लंबी चेन जो है बनती जा रही थी, जो कि प्रोफेट मोहम्मद जो इसको फर्स्ट खलीफा माना जाता है, उसके बाद में जो प्रेजेंट जो सूफी सेंट था वो उसी चेन से बिलोंग माना जाता था, यानी कि जो स्पिरिचुअल ग्रेस प्रोफेट मोहम्मद थी मोहम्मद में थी वो लगातार उस चेन के माध्यम से जो लास्ट शेख था जो उस टाइम पे जिंदा था उस टाइप तो वो स्पिरिचुअल ग्रेस आ रही है, तो एक चेन के माध्यम से आ रही थी जिसको वो क्या बोलते थे, सिलसिला। द कनखा वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, बहुत सारी सोशल लाइफ यहाँ पे होती थी, इट कंप्राइज सेवरल रूम्स, देर आर मैनी रूम्स इन द सिलसिला एंड देर यूज टू बी अ बिग हॉल जहाँ पे इनमेट्स और विजिटर्स आते थे, यानी कि वहाँ पे रहने वाले लोग भी उसी में रहते थे, बाहर के लोग भी आकर के उस हॉल में रहते थे, वहीं पे प्रे करते थे, और उसी हॉल के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना होता था, देर यूज़ टू बी अ स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ दैट हॉल जहाँ पर जो है शेख रहता था, कौन रहता था, शेख जो कि वहाँ का गुरु था, जो मुख्य आदमी था, जो जिसके कमांड पे सारा जो ये कनखा चलता था, वो वहाँ पे उसी हॉल के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना होता था उसमें वो रहते थे। देर वॉज एन ओपन किचन ऑल्सो, एक लंगर भी होता था, लंगर जैसे कि गुरुद्वारों में लंगर होता है उस तरह का वहाँ पे एक लंगर होता था जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी वहाँ पे विजिटर होता था उनको फूड प्रोवाइड किया जाता था, एंड दैट लंगर यूज़ टू रन ऑन चैरिटी, यानी उस लंगर के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा दान भी देते थे, रूलर भी देते थे और आम आदमी भी उसके लिए काफ़ी चंदा वगैरह देते थे। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ केम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ द शेख इन वेरियस मैटर्स, यानी कि हर तरह के व्यक्ति चाहे वो गरीब हो अमीर हो हर तरह के लोग जो है उस सिलसिला में आते थे, शेख के पास आते थे, शेख के पास किस लिए आते थे, दे यूज़ टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ द शेख, स्पेशली जो बीमार आदमी होते थे उनका मानना था कि शेख के ब्लेसिंग से उनके आशीर्वाद से वो ठीक भी हो जाते थे, तो शेख की ब्लेसिंग्स के लिए अपनी कोई दुआ को फुलफिल करने के लिए दे यूज़ टू इंटरसीड, दे यूज़ टू मीट द शेख सो दैट दे कैन इंटरसीड विद द गॉड, कि वो गॉड से जो है उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए कहेंगे तो उनकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाएगी, इसलिए लोग जो है शेख के पास आते थे। अदर विजिटर्स इंक्लूडेड पोइट सच एज अमीर हसन सिज्जी, अमीर हसन सिज्जी उस टाइम के फेमस राइटर थे और पोइट भी थे, वो भी जो है उस टाइम जो निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह है जो कि एक कनखा होता था उस टाइम उसमें वो रहते थे क्योंकि वो निजामुद्दीन ओलिया के फॉलोवर थे। दूसरे जो इसके इंपॉर्टेंट फॉलोवर थे दैट वॉज अमीर खुसरो, जो कि ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट पोइट, उसको तोते हिंद की उपाधि भी दी हुई थी, मीन्स पैरट ऑफ इंडिया, एंड देर वर आल्सो ए कोर्ट हिस्टोरियन, जो कि उस टाइम जो रूलर होता था सुल्तान होता था उसका जो कोर्ट हिस्टोरियन था जियाउद्दीन बरनी, जो कि एक फेमस इतिहासकार भी हुए हैं जिसके माध्यम से हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है, उसने भी शेख के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा है। सो हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द सूफी कनखाज एंड शेख ऑफ दैट टाइम, थ्रू द राइटिंग ऑफ दीज पीपल लाइक अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो एंड जियाउद्दीन बरनी। अमीर खुसरो यहाँ पे ऐसे पोइट थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर 7 रूलर्स को देखा था, यानी कि 7 रूलर्स वर चेंज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो इससे जो लिखी हुई थी और ख़ासकर इन्होंने कव्वाल, जो कि कव्वाली से पहले एक फोर लाइन का जो स्टेंजा है वो गाया जाता है, दैट वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो, और ये एक नई तरह की जो है परम्परा अमीर खुसरो ने उस टाइम कव्वाली के अंदर डाली थी।
अब आता है